इस वक्त की दोस्तों बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है राहुल गांधी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। राहुल गांधी ने क्या कुछ दलीलें रखी हैं सुप्रीम कोर्ट में, सीजीआई प्रभावित हो गए हैं। जी हां दोस्तों, तमाम दलीलों को देख करके पूरी अपडेट आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। पुणेश मोदी को बड़ा झटका लग सकता है किसी भी वक्त, खबर आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खबर बताते चले, राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर तमाम दलीलें रखी हैं मानहानि मामले में गुजरात हाई कोर्ट से राहत न मिलने के बाद। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उन्होंने हाई कोर्ट के 7 जुलाई के आदेश को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर उस आदेश पर रोक नहीं लगाई गई तो इससे स्वतंत्र भाषण, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, स्वतंत्र विचार का दम घुट जाएगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका में कहा गया है कि अगर याचिकाकर्ता को राहत नहीं दी गई तो वह अपने करियर के 8 साल गंवा देंगे। इतना ही नहीं, यहां पर याचिका में यह भी कहा गया है कि अगर राहत नहीं दी गई उनको तो भारत के राजनीतिक माहौल और भविष्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक होगा और फिर इस सरकार की तानाशाही दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। ये यहाँ पर तमाम दलीलें राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में रखी हैं। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है खबर को लेकर के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलेगी या फिर नहीं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।